Kids, good morning. Today I will teach you chapter 19, 20 and 21. Chapter 19, remember. इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का रिवीजन करेंगे जो हम चैप्टर 17 एंड 18 में पढ़ चुके हैं. मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. ठीक है, अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन करूँ कि कोई भी चीज़ मैं आपको दिखाऊँ और उसके बारे में आपसे क्वेश्चन करूँ, डज इट ब्रीथ, क्या ये सांस लेती है, डज इट नीड फूड एंड वाटर, क्या इसे भोजन और पानी की आवश्यकता है, डज इट ग्रो, क्या ये बढ़ती है, डज इट हैव बेबीज, क्या इसके बेबी हैं या क्या इसके बेबी होते हैं. इफ़ यू फील यस, अगर आपको ऐसा महसूस हो कि फॉर ऑल दिस फोर क्वेश्चंस, इन चारों क्वेश्चन के लिए आपका आंसर अगर आप हाँ में महसूस करते हैं, देन इट इज़ अ लिविंग थिंग्स, तो ये लिविंग थिंग्स है. अदरवाइज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स. अगर आपका आंसर नो में होगा तो वो कौन सी थिंग होगी, नॉन लिविंग थिंग्स होगी. ओके स्टूडेंट्स, सेवन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लिविंग थिंग्स. यहाँ कुछ सेवन पॉइंट्स दिए हुए हैं जो लिविंग थिंग्स के बारे में है. अगर ये सेवन पॉइंट्स में से ये पॉइंट्स हैं किसी चीज़ में, तो इसका मतलब वो लिविंग थिंग्स है. जैसे कि ग्रो है, फूड एंड वाटर, ब्रीथ, मूव, फील है, बेबीज, गेट रिड ऑफ वेस्ट. अगर ये सारे सेवन पॉइंट्स किसी चीज़ में है तो इट मीन्स वो लिविंग थिंग्स है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग थिंग्स है. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 20, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. राइट एल फॉर द लिविंग थिंग्स एंड एन फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स. इस चैप्टर को हम कैसे कंप्लीट करना है या इस चैप्टर को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसमें बहुत सारी थिंग्स हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, चीज़ें बनी हुई हैं, उनकी पिक्चर बनी हुई है और उनके सामने एक सर्कल बना हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है. अगर वो लिविंग थिंग्स है तो आप एल बनाएंगे और अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तो आप एन बनाएंगे. जैसे कि फर्स्ट पिक्चर हमें किसकी दिख रही है, बर्ड की. तो बर्ड कैसी थिंग है, लिविंग थिंग, क्योंकि ये ग्रो भी करती है, इसे फूड एंड वाटर की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हम इस ब्लॉक में क्या लिखेंगे, एल. नेक्स्ट पिक्चर है हट की. तो हट को फूड एंड वाटर की तो आवश्यकता होती नहीं है और ना ही हट मूव कर सकती है. ओके, ना ग्रो